हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा स्पेशल है। कल पापा ने मुझे बोला था कि आप हमारे पहाड़ी डिशेस के बारे में भी दिखाओ, लोगों को दिखाओ कि हमारे पहाड़ों में क्या क्या बनता है। तो आज मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ जो पहाड़ों में बनता है, नेचुरली पहाड़ों में तो बनता ही बनता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आएंगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो आज मैं बनाऊंगी, ये है मूली के पत्ते और लाई की सब्जी, मतलब ये दोनों मिक्स है और आप देख सकते हैं ये बहुत बारीकी से कटे हुए हैं। मूली के पत्तों की जो मात्रा है ये ज़्यादा है और लाई थोड़ी बहुत ही है, तो आज मैं इसको बनाऊंगी पहले। तो इधर मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल रख दिया है, क्योंकि रिफाइंड और सरसों दोनों होता है, तो सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छे से बनती है सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब मैंने इसमें चार लाल मिर्च भुनने के लिए डाल दी है, तो ये भुन चुकी है और अब मैं इनको निकाल देती हूँ। और अब मैं इसमें डालूंगी हरी सब्जी। अब मैं सब्जी को थोड़ा चला लूंगी। अब हम यहाँ पे सब्जी में नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, ताकि सब्जी जल्दी से गल भी जाए और टेस्ट भी आ जाए। नमक को सब्जी में मिक्स कर लेते हैं अच्छे से हम, और फिर इसमें ढक्का मार देंगे ताकि सब्जी गल जाए जल्दी से। इधर मैं आटा गूंदूंगी, तो इधर सबसे पहले मैं मडवे का आटा लूँगी और गेहूं का आटा, दोनों को मैं मिक्स करूँगी। मैंने इसमें दो कटोरा मडवे का आटा और एक कटोरा गेहूं का आटा मिक्स किया। और ये घुट के तैयार हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे लाल मिर्च ऐड कर लूंगी सब्जी में। मेरी सब्जी लगभग तैयार है, बस इसको थोड़ा सा और पका लेती हूँ। जब तक मेरी सब्जी तैयार होती है तब तक मैं इधर रोटी बना लेती हूँ। फूल रही है मडवे की रोटी, क्योंकि इसमें गेहूं भी मिक्स है, तो गेहूं का आटा भी मिक्स है। वैसे मडवे की रोटी नहीं फूलती ना? प्योर बराबर मात्रा में होगा, मडवा भी होगी, गेहूं का कम है। अच्छा तो ठीक है, फिर गेहूं का आटा कम है, मडवा ज्यादा है। सब्जी मेरी तैयार हो चुकी है और अब मैं इसमें जखिया भून के डालूंगी। आपको बता दूं कि जखिया को भून के सब्जी में डालने से टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आता है। इसमें लगाऊंगी मैं घी। तो भाई आज स्पेशल पहाड़ी नाश्ता है, पहाड़ी नाश्ता है, मडवे की रोटी है, हरी सब्जी है। वैसे तो रोजी खाता है ये भर के वाली, आज इसमें मिक्स कर रखी मडवा आज भी हो, क्योंकि प्योर मडवे की बन नहीं पाती है, टूट जाती होगी, हाँ टूट जाती है, तो इसलिए थोड़ा गेहूं का आटा मिलाया। नहीं ये बढ़िया होता, टेस्ट तो इसमें भी मडवे का हो पूरा। ये दिन की दाल के लिए धनिया तोड़ा जा रहा है, इतने धनिया से हो जाएगा? यहाँ पे क्या तोड़ो तुम, कद्दू? इसी क्या बना रहे हो, कद्दू का खैर? चाची बनाएगी सब्जी, तो आज बनेगा कद्दू भात चाची के यहाँ पे, पीले कद्दू की सब्जी। ये देखो, ओ दो और फाड़ कर दो, सही हो रहा बीज? देखो बीज तो हो रहा है इसके अंदर, दिखाना। मुझे ना इसके बीज बीज खाने में बड़ा अच्छा लगता है, है ना? इसके बीज बहुत टेस्टी। दो दो और करना, ठीक है हो गया। ये देखो, ये हमारे वहां बाना रह गई हूँ।
गधवा बीज खा रही है, ये फिसल जा रहा है। गधवा बीज लेनी छोड़ रही है, बहुत टेस्टी होते हैं। खाते हैं, ये बहुत टेस्टी होते हैं। पहाड़ी बादाम, ये है पहाड़ी बादाम, गधवा बादाम। गधवा बादाम खाने वाली, ये ऐसे खा रहे हैं दलिद्र बानर हैं। तो पे वो चल, पेट खराब हो जाएगा, दलिद्र बानर या लूज मोशन, कोई बात नहीं, होने दो। ओके हो गया। सो गाइस अभी शाम के 4 बज चुके हैं और मैं सो के उठ गई। हेलो बेबी, हेलो बेबी, तुमने क्या बना दे बेटा, ये भुट्टू खाना जैसा। मेरे कट्टू ऐसे नहीं बनते बेटा। अभी मैं उसके लिए दूध गर्म करके ले जा रही हूँ, पता नहीं वो पिएगी नहीं पिएगी, वैसे तो उसको भूख लगी होगी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, दूध दोगे, दूध ना, डर रही है। हाँ मेरे बच्चे को भूख लग गई, गिरो बेटा ऐसे पियो, ऐसे अच्छे से पी लिया। वाह, सोने दे उसको, दूध देने तो आते ही नहीं, तो उसको अभी प्यारी प्यारी कर रही है। ओले बाहर निकल रही हो, जाओ जाओ मम्मा के पास जाओ, तो जा रही है। बोल लियो, बोल लियो, बुझो ऊने बेटा, वो ऊने कल वो सारे ऊन उछेड़ देगा कल से। चाची बोले एक तो बनी इतनी मुश्किल से रहे, ऊपर से तुम आगे उधेड़ दो, गड़बड़ होगी, दब बज्जो रो कदिन लगता है इसको, अभी लगेगा अभी ये पर्दे में ही जाएगा, गधे गिफ्ट होगा ये भी उधाड़े मम्मी इसको दोबारा, अभी तो दोबारा सिलेंगे, बिनेंगे दोबारा, बिनेंगे। हाँ सॉरी, ला मुझे दे दो खाली, ये गई पिड्डू टीम, जाने हैं जैमी को उनके साथ जाने हैं। लड़की हाथ पकड़ो, आ जाओ हाथ पकड़ो, तो हाथ पकड़ो, चलो इधर को, ठीक हो गया। हाँ हाँ बच्चों, ये बनेगा तब लगेगा, आएगा मजा, बिच्छू लगेगा तब आएगा मजा, अभी डाल दूंगा बाथरूम में फिर आएगा मजा, आराम से चलो आराम से। अरे इसको छोड़ने आ रहा हूँ मैं, चलो आराम से, कैसे देख के नीचे, हाँ आराम से, शाबाश शाबाश। कौन कह रहा है मेरे आगे, कौन कह रहा हो बताओ फिर, कौन कह रहा हो, हाँ नहीं दूर से आवाज पहचान ले रही है, हैं लड़की अब यहाँ से कैसे जाओगे, हैं आओ गोदी में आओ, तो अब गोदी में पार करेंगे और गे भम्मा हो गई, फिर ये देखो, ओए होए 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 होए, पार कर लिया। यहाँ से कैसे जाओगे, झाड़ी के बीच से, चलो चलो डरो नहीं, अरे चलो ऐसे डरते थोड़ी ना, चलो तभी तो सीखोगे जब जाओगे, हाँ हाँ बिल्कुल, चलो ऐसे ही चलो, शाबाश, चलो चलो सीधे चलो, छोड़ो ऐसे, हाँ जाओ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, चलो शाबाश। पिछवाड़े में क्या है क्या, चलो चलो सवास, हाँ इसको भी हटाओ, चलो चलो हो गया, अब तो पार हो गया, बढ़ो आगे सवास, चलो चलो कहाँ बैठते हो रोज, हाँ तो चलो फिर वहीं बैठो, ना 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 खचर बचर नहीं करना इनमें, हाँ बैठ जाओ चुपचाप, अब यहीं बैठना, हाँ मैं जा रहा हूँ, हाँ और यहाँ किसी को, अरे यहाँ से बॉल गई अभी बगल से, चलो भाई हम तो चले, यहाँ बन रही मैगी, वो मैगी बन चुकी है, इसको मैं ठंडा कर रही हूँ पानी में। तो अभी 6:30 हो गए और हम लोग जा रहे हैं टेरेस पे, वहां से दिखाते हैं आपको नीचे का व्यू, ये बहुत खतरनाक रास्ता है,
यहाँ से सीधे नीचे भी गिर सकते हैं। आप कहाँ से आ रहे हो? ओ भाई वाओ, यहाँ पे कितना अच्छा रहे। ये है मंदिर, 7 बजे मंदिर में पूजा होती है, तो मैं आज आपको मंदिर की आरती दिखाऊंगी दूर से। और चाची की पूजा हो रही है। मेरी छत है वो। मेरी छत है, बाप रे। देख लो कितनी ज्यादा खतरनाक हो रही थी दिव्यांशी। अभी देखना वो हमको यहाँ से कैसे भगाएगी। अरे हम छुप जाते चलो छुप जाते हैं। दिव्यांशी आ गई। क्या बोल रही थी? अभी छोड़ कर तो इसको बाथरूम में बंद। हाँ मान लो। अच्छा ठीक है, ये आपकी छत है। ओके ये आपकी छत है। क्या नीचे चले? चलो फिर चलो। यहाँ पे बजा रहा है, पापा सोए हैं। हाँ नहीं बजा रहा, पापा सोए हैं। पापा को डिस्टर्ब होगा नहीं तुम्हें? सब काजल फैला दिया, आप खाली मेकअप खराब कर दिया। तो अभी करेक्ट 7 बज चुके हैं और मंदिर में पूजा स्टार्ट हो गई है। तो आज मैं आपको मंदिर की पूजा दिखाऊंगी, दूर से दिखाऊंगी। मंदिर के अंदर मैं अभी जा नहीं सकती हूँ। मंदिर का मेन गेट है अभी जो फिलहाल बंद है, तो अभी किसी भी बाहर की एंट्री नहीं है। ये है नटराज जी की मूर्ति और यहाँ से सीधे मंदिर का रास्ता है। लोटस है, ये देखो लोटस फ्लावर, कमल का फूल। यहाँ पे कमल का फूल और ये खिला नहीं है अभी अच्छे से, आप देख सकते हैं दूर से। नो टचिंग बेटा। इसमें कमल का फूल नाश्ते नहीं बेटा, अभी कच्चे हो रहे हैं। नो बेटा अभी कच्चे हैं, वो पेट में दर्द होता है उससे, डांट पड़ेगी मुझे। ये लो और ये है बबीता ना, यह है बबीता। इधर नीचे ताई जी का घर है और वो हमारा घर है। घास, खट्टी मीठी वाली घास। तो मैं जरस के नजदीक जाती हूँ, यहाँ से तो भाग जाएगा। कहाँ है? व्हाट? तो मैं सोच रही कि इसके नीचे होगा। धनिया लेके आने, ये चला कि देख ली मैंने। चलो मैं चाची के लिए धनिया तोड़ देती हूँ यहाँ पे। इन्होंने मुझे खाली भेजा नीचे और धनिया तुड़वा रहे। इनकी चालाकी मैं अब समझ गई हूँ। मम्मी उल्लू बनाई, चाची उल्लू बनाएंगे। ये हमारा धनिया टूट गया है, अब मैं ये चाची को सौंप देती हूँ। धनिया थैंक यू बेटा, थैंक यू, वेलकम।